देश भर में बड़ी ही धूमधाम से मनाई जा रही है आज बसंत पंचमी। जी हाँ, माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए हर कोई आगे आ रहा है। जी हाँ, उसी क्रम में सैदुलजा वार्ड 71S के निगम पार्षद संजय ठाकुर अपनी धर्म पत्नी के साथ जो है यहाँ पर देखिए किस तरीके से माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचे। उसके बाद उन्होंने वार्ड में अलग अलग जगहों पर जितनी भी जगह पर उनका आमंत्रण किया गया था वहाँ पर वो पहुँचे और उन्होंने माँ सरस्वती की पूजा करी। देख सकते हैं किस तरीके से उनकी धर्मपत्नी सीमा ठाकुर और वो खुद भी जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूजा अर्चना के साथ साथ उन्होंने लोगों को प्रसाद वितरण दिया, साथ ही साथ यहाँ पर भोजन भी जो है वो वितरण किया गया। कोरोना काल से लेकर लगातार जो है निगम पार्षद संजय ठाकुर अपने वार्ड में जो है लोगों को भोजन वितरण कर रहे हैं, साथ ही साथ जिस तरीके से क्षेत्र में जो काम होने चाहिए वो निगम पार्षद संजय ठाकुर के द्वारा किए जा रहे हैं। वहीं उनकी धर्मपत्नी सीमा ठाकुर भी लगातार जो है इस काम में उनका लगातार सहयोग देती हैं और इसी वजह से संजय ठाकुर जो है कोरोना काल से लेकर अब तक जो है लगातार काम करते रह रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि क्षेत्र की जनता का भी बहुत ज़्यादा सहयोग जो है संजय ठाकुर और उनकी धर्मपत्नी सीमा ठाकुर को मिला। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है पूजा अर्चना करी जा रही है। देश भर में आज बसंत पंचमी का पर्व जो है वो मनाया जा रहा है और माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करी जा रही है। उसी क्रम में लगातार जो है संजय ठाकुर सुबह से लेकर शाम तक जो है अपने वार्ड में होने वाले अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए पहुँचे और उन्होंने यहाँ पर लोगों को प्रसाद वितरण किया, साथ ही साथ जिस तरीके से जो संजय ठाकुर के द्वारा जो भोजन वितरण किया जाता है वो भी लगातार कार्य चल रहा है और उसी दौरान जो है उन्होंने भोजन वितरण किया और उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता का प्यार उनको हमेशा मिलता रहता है और उनकी बीवी भी उनका सहयोग लगातार करती रहती हैं और क्षेत्र की जनता उनको हमेशा किसी न किसी काम में बुलाती रहती है और वो भी लगातार जो है क्षेत्र की जनता के साथ बने रहते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अंबेडकर बस्ती हो या सैदुलजा वार्ड का पार्क हो जहाँ पर हर साल जो है छठ पर्व होता है वहाँ पर भी लगातार जो है सरस्वती माँ का जो पंडाल लगाया गया था उसमें शिरकत करने के लिए जो है संजय ठाकुर पहुँचे। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आ रहे हैं निगम पार्षद संजय ठाकुर और उनकी धर्मपत्नी सीमा ठाकुर। लगातार ये कार्य जो है इसी तरीके से चलता रहता है और भोजन वितरण का काम भी जो है जोर शोर से चल रहा है। और दो साल से यहाँ पर खाना भी बटा रहे हैं और आज हम ऐसे मंदिर देख के हमको मन हो गया है कि जो इनको छत डलवा दे हम। अच्छा, लगातार जिस तरीके से देखा जाए आपके पति वार्ड में काम करते आ रहे हैं, अब बीड़ा आप उठा रही काम करने का? हाँ, उठा रही हूँ, पूरे तरीके से उठा रही हूँ, पूरे तरीके से सेवा कर रही हूँ। तो सरस्वती पूजा आज किस तरीके से मनाएंगी, क्योंकि जगह जगह गई हैं आप पूजा खूब करके आ रही हैं? हाँ, तो क्षेत्र में किस तरीके से लोग का समर्थन मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। क्या लगता है जिस तरह से लगातार आप सेवा कर रहे हैं, संजय ठाकुर जी लगातार सेवा कर रहे हैं, अब आप भी उनके पथ पे आगे चलती रहेंगी और क्योंकि महिला सीट हो गई है तो आपका और ज़्यादा कर्तव्य बनता है? और ज़्यादा कर्तव्य बनता है। क्या संदेश देना चाहेंगे वार्डवासियों को? धूमधाम से मनाए, छठ पूजा भी धूमधाम से मनाए, पूरा क्षेत्रवासी भूखा भी नहीं रहे। आप लोग काम करते आ रहे हैं अपने वार्ड में और आप अपनी पत्नी के साथ भी घूम रहे हैं, किस तरीके से आज के इस पर्व को मना रहे हैं जो सरस्वती पूजा है? देखिए, सरस्वती पूजा माँ सरस्वती की कृपा है कि पूरे भारतीय पूरा संसार चलाता है माँ सरस्वती से आशीर्वाद लेके। माँ सरस्वती के विद्या के बल पे पूरे संसार भारतीय चलाता है, अमेरिका, चाइना के वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के उद्योगपति चलाने वाला भारतीय ही है। और सरस्वती पूजा पे मैं अपने वार्ड में हर जगह सरस्वती माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ सरस्वती, जो गरीब बच्चे हैं आज तक उनको कोई जनजागरण नहीं चलाया, दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे संसार के लोग आते हैं दिल्ली में, लेकिन मुझे अफसोस लगता है कि जो गरीब बच्चे को पहले भोजन, हम लोग पढ़ते थे भोजन, कपड़ा, आवास, इसके बारे में सरकार राजधानी में नहीं सोची। तो मेरा अभियान है कि कोई भी घर भूखा नहीं रहे। दो साल से मैं भोजन वितरण कर रहा हूँ, कोरोना काल में भोजन कराता रहूँगा, लेकिन साथ साथ सरस्वती दिवस पे मैं एक ये चाहता हूँ और ख़ास के महिला होने के नाते जो अपने देश में अम्बेडकर जी के सामने कह रहा हूँ, जिन्होंने ये संविधान बनाया, उन्होंने बनाया कि महिला पुरुष जाति धर्म से ऊपर उठते हुए, तो हर घर बच्चे का जनजागरण अभियान चला के
पढ़ाई का वातावरण तैयार करेंगे कि कोई भी अगला 5 साल ऐसा होगा कि मेरे वार्ड में भोजन में जैसे कोरोना काल में कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहे, तो कोई घर बिना शिक्षा का नहीं रहे, कोई भी घर, एक भी घर, चाहे किसी जाति धर्म से हो। हमारा संविधान इसलिए नहीं बनाता, जाति धर्म सब छोड़ के, क्षेत्रीयवाद छोड़ के, हर इलाके का मैं कल्याण करूंगा। और इनके साथ इन्होंने ही मुझे मदद की, इन्होंने जीवन में मुझे मदद की। एक जज की पोती हैं, बिहार में जज की पोती है, एक डॉक्टर इनके भाई डॉक्टर आर के झा होम्योपैथी के डॉक्टर थे। राजा पटियाला जी का घर बगल में है, राजा पटियाला जी का इलाज किए थे होम्योपैथी से, मुझे कपड़ा उसमें आया था। और राजा पटियाला ही जी लोगों और लोगों से परिचय कराए थे, और लोगों का भी उन्होंने इलाज किया। उस परिवार से है, संस्कारी, हर चीज़ देखते हुए कि गरीब के प्रति। इन्होंने कहा कि कोरोना काल में आप भले कोई नेता नहीं निकले, इलाके में डर लगता था कि कोरोना हमें हो जाएगा, लेकिन इन्होंने कहा और मेरी दो बेटी ने कहा कि आप घर घर निकलिए और गरीब की सेवा कीजिए, हर घर सैनिटाइजर करते। तो ऐसे को धन्यवाद मैं करता हूँ, माँ सरस्वती के दिन पे ऐसे महिला को भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने कहा कि कोई मेरे वार्ड में कोई भूखा व्यक्ति नहीं रहे, और हर घर सैनिटाइजर कीजिए, हर घर दवाई दीजिए। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। और